इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही ये वाली रील को कैसे एडिट करेंगे। तो गाइस इस वाली रील को एडिट करने के लिए आपको VN का एक QR कोड होगा, उसको अपलोड करना है और जस्ट आपको थैम्पलेट आएगा और आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। तो इसको कैसे करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। और गाइस जो VN का जो QR कोड है वो आपको वीडियो में बीच में कहीं भी मिल जाएगा, तो वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूं। गाइस मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो गाइस सबसे पहले VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करेगा, और आपको डाउनलोड नहीं करेगा तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या लिंक डिस्क्रिप्शन में वहीं डाउनलोड कर लेना। तो आपके सामने ओपन करने पर ये वाला ऑप्शन आएगा स्कैन वाला, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सामने ऊपर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है फोटोज करके, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस आपको वीडियो के बीच में कहीं भी एक कुछ इस तरह से QR कोड मिल जाएगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखना इसलिए। सो गाइस इतना करने के बाद आप सामने कुछ इस तरह की वीडियो ओपन हो जाएगी जब आप स्कैन कोड को अपलोड करोगे। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना टेम्पलेट को, करने के बाद आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप किसी भी अपने एक फ़ोटो को सेलेक्ट करके रिप्लेस पर कर देना क्लिक, और यहाँ से नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। इतना काम करने के बाद आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। सो गाइस हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, बट गाइस वीडियो में ऑडियो नहीं है, तो ऑडियो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अपनी क्लियरिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ऑटो भी रख सकते हो, मैनुअल कर सकते हो। तो मैं थोड़ी वीडियो क्लियरिटी थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड भी करनी है। तो यहाँ से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, इसको यहाँ से डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन में क्लिक करना, फिर न्यू प्रोजेक्ट पे ऐड करना, और जो अभी आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को दोबारा से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं वीडियो दोबारा ऐड कर लेता हूँ ये वाली, इसको नेक्स्ट पर करता हूँ क्लिक। सो हमारी वीडियो आ चुकी है गाइस, वीडियो में ऑडियो नहीं है। तो गाइस मुझे लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करके वीडियो के साउंड को ऐड करना है क्योंकि मेरे पास साउंड नहीं है, इसलिए मैं वीडियो के साउंड को इस कुछ इस तरह से ऐड करूँगा लेयर में जाके। लेयर में क्लिक करके मैंने यहाँ से एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ, मुझे इस वाली वीडियो का साउंड ऐड करना है। तो गाइस सबसे पहले लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जस्ट आपके सामने नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो, जस्ट इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो हमारी जो लेयर अभी मैंने ऐड किया था उस लेयर की ऑडियो आ जाएगी, और अब जो हमारी लेयर है इस लेयर का कुछ काम नहीं, इसको यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमारी ऑडियो की जरूरत थी, ऑडियो आ चुकी है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो हमारी वीडियो देख सकते हो गाइस। सो गाइस हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी वीडियो हल्की सी एक्स्ट्रा आ रही है, इसको हम हल्का कट कर देंगे, और गाइस आप वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।